स्वागत है ब्रेकिंग न्यूज बलिया। बलिया से बीजेपी विधायक का बड़ा बयान, नेपाल को चाइना का कुत्ता बताया जा रहा है। भारत अब नेहरू और निरोग का देश नहीं है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तुलना सीधे बिहार के निरोग से की गई है। अब 1962 का नेहरू और निरोग का ये भारत नहीं है। यही देश नेहरू के समय में चाइना के सामने अपना हथियार डाले थे। अब डोकलम में फुटबॉल की तरह 300 मीटर दूर भगाए, पहले गोली जगह कबूतर छोड़े जाते थे, अब बोली की जगह गोली छोड़ी जाती है, गोली की जगह बम छोड़ा जाएगा। ये भारत के राष्ट्रभक्त मोदी और योगी का है। अब दुनिया का कोई भी देश भारत के सैनिकों के सामने टिकने वाला नहीं है। नेपाल जैसा कुकुरमुत्ता देश को भारत लघु शंका कर देगा तो वह बह जाएगा। आज पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका, रूस, इजराइल, जापान, सभी देश भारत के साथ हैं। जी विधायक जी, ये पूरा देश कोरोना महामारी वायरस से लड़ रहा है, लेकिन एक साथ तीन देश भारत से नेपाल, पाकिस्तान और चीन एक साथ भारत को घेरने में लगे हैं और लगातार सीमा विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले ये क्या भारत एक साथ तीन देशों से कैसे निपट पाएगा? देखिए पत्रकार जी, आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, मान अब ये 1962 का नेहरू और निरहू का भारत नहीं। निरहुआ जो बिहार का था, एक नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, तब नेहरू और निरहू का भारत नहीं है। अब पुरुषार्थी आत्मबल के धनी व्यक्तित्व, प्रबल राष्ट्रभक्त मोदी और योगी का देश है। अब दुनिया की कोई भी ताकत भारत के सैनिकों के सामने टिकने वाली नहीं है। यदि नेपाल जैसा कुकुरमुत्ता देश के बल पर चाइना और पाकिस्तान जैसा कुकर्मी देश, आतंकवादी देश के बल पर कोई चाहता होगा कि हम भारत से लड़ लेंगे, तो भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। आज अमेरिका खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, फ्रांस खड़ा है, सब देश खड़े हैं, इजराइल खड़ा है, कोई भी टिकने वाला है। तो टिकने की तो बात छोड़िए, देश विदेश की तो बाद में सहयोग लेंगे हम। भारत के सैनिकों के पास वो जज्बा है, आप देखे हो कि डोकलांग में फुटबॉल की तरह से मार करके इन सबको 300 मीटर पीछे हमारे सैनिक कर दिए। तो वही सैनिक नेहरू के जमाने में हथियार डाल दिए थे, और आज वही सैनिक डोकलाम में लातों से मार करके चाइना के सैनिक को पीछे भगा देते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं फिर बोल दे रहा हूँ, आप लोग जरूर चलाइए कि अब यह जो यह भारत अब नेहरू और निरहू का देश नहीं है, और भारत पुरुषार्थी नेता मोदी का देश है, जिसकी यह भारत योगी जैसे महान व्यक्ति का देश है। यह भारत राजनाथ सिंह, अमित शाह जैसे पुरुषार्थी नेताओं के द्वारा संचालित भारत है। अब ये कोई चाहेगा कि भारत को आंख दिखा करके हम बहुत बड़ा ये कर लेंगे, तो उस जो आंख दिखाने की कोशिश करेगा, हमारे नेता उनकी आंख निकाल लेंगे। वो समय आ गया है, अब दुनिया का विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। अब कोई चाहे कि जो है नेपाल जो है, माने यदि भारत के लोग यदि बढ़िया से जो है नेपाल की तरफ दृष्टि डाल दें, लघु शंका कर दें, तो नेपाल बह जाएगा, और वो भी जो हमको ये दिखाता है, ये जो है क्या है, केवल जो है उनका भ्रम है, और एक क्या कहते हैं कि नहीं क्या कि जो है तो एक छोटी चिड़िया भी सोचती है कि मैं पहाड़ को आसमान को अपने पैरों पर उठा लूँगा, तो ये बात है। ये अब भारत पहले का भारत नहीं है, अब मोदी का भारत है, पुरुषार्थी का भारत है, विश्व को दिशा निर्देश देने वाले नेता का भारत है, और भारत के सैनिकों के जज्बा जो पाकिस्तानी सैनिकों के 1 लाख सैनिकों को केवल गिरफ्तार करके जेल में डालने वाला भारत है। अब ये ध्यान रखे, चाइना चाहे नेपाल चाहे पाकिस्तान जो जैसा करेगा उसको, अब तो पहले तो गोली के जगह पर कबूतर छोड़े जाते थे नेहरू के ज़माने में, लेकिन अब बोली के जगह पर गोली छोड़ती है। यहाँ से यदि कोई बोली बोलेगा भारत के खिलाफ तो इधर से गोली चलेगा तो बम चलेगा। अब वो भारत नहीं है कि जो है केवल पड़ाका बजा करके लोग युद्ध लड़ते थे, और भारत है कि परमाणु बम से जो है पूरी दुनिया को नष्ट किया जा सकता है। चाइना अपनी औकात समझ में आ जाएगा उसको, अभी केवल वक्त आने दें। क्या ये आप मानते हैं कि नेपाल की उतनी हैसियत नहीं कि जो भारत से लड़ाई और युद्ध कर सके, किसके बल पर यह कर रहा है? चाइना के बल पर, चाइना का कुत्ता है वो, चाइना का इस समय कुत्ता बना हुआ है, और तो चाइना का कुत्ता कितने दिन तक चलेगा? कुत्ता को तो हम लोग, हमारे सैनिक कुत्तों को तो ढेला से भगा देंगे, ये कुत्तों को कौन पूछता है महाराज? चाइना की ताकत नहीं है, आप लोग देखे नहीं महाराज, डोकलांग में 300 मीटर की दूरी पर केवल फैट लातों से मार करके फुटबॉल की तरह से खेल करके भगा दिए थे। तो जिस समय भारत के सैनिकों को मोदी जैसे नेतृत्व के जहां मिला हुआ है,
आप यदि भगवान कर न करें युद्ध हो, अच्छा चीज नहीं होता है, लेकिन इस परिस्थिति आ गई तो निर्णायक युद्ध केवल 15 दिनों में हो जाएगा। लेकिन इस तरह अचानक चाइना का भारत के ऊपर इतना बड़ा मतलब दबाव बनाना और इतना तीनों तरह से घेरना, मतलब क्यों ऐसा कर रहा है क्या? जब कोई भी नेता विश्व स्तर पर सम्मान पाने लगता है तो पूरी दुनिया की शक्तियाँ उसके तरफ दृष्टि रखती हैं। तो आज वह भारत है जिस देश का नेता जापान में, इसराइल में, फ्रांस में, कुवैत में, तक मुस्लिम राष्ट्र भी जहाँ सम्मान करना चालू कर दिए, तो स्वाभाविक है कि चाइना जैसा गंदा सोच का देश घृणा करेगा ही करेगा। इसलिए लेकिन जिसके साथ चरित्र है, ईमान है मेरे भाइयों, पत्रकार बंधुओं, उसके साथ साक्षात भगवान होता है। तो मोदी जी के पास, आदरणीय मोदी जी के पास चरित्र और ईमान है और भारत उनके लिए मंदिर हो चुका है और मंदिर के पुजारी हैं। इसलिए भारत माता के मंदिर का पुजारी जहाँ चरित्रवान और ईमानदार होगा, जानदार और समझदार होगा, दुनिया की कोई ताकत और भारत को। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।